सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, यस थैंक यू। सो सबसे पहले क्यूआ कैपो इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का इस मंच पे इस सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की मीटिंग में क्या खास है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हर दिन खास है और इस खास सेशन में जो शीर्षक है, जो टाइटल है आज के इस सेशन का, वो है बिजनेस की रंग हर किसी के संग। जी हाँ, फिर से कहा, बिजनेस की रंग हर किसी के संग। चाहे होली का त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, जब तक उसके अंदर कुछ उमंग ना आए, कुछ उत्साह ना आए, तब तक मजा नहीं आता। ऐसा लगता है कि त्योहारों का जो दौर है वो फीका फीका सा रह गया। तो दोस्तों ध्यान रखें, हम आपके इस त्योहार को कभी फीका नहीं होने देंगे। इतिहास गवाह रही है कि आपकी त्योहार बेहतर रही है और सबसे अलग रही है। इस बार की भी त्योहार बेहतर होगी। लेकिन दोस्तों, इन त्योहारों के बीच एक बहुत बड़ी जो दौर चल रही है, वो दौर दोस्तों बहुत ही बेहतर हो सकती है। हम सभी फाइनेंशियल जो बिजनेस माइंड सेट वाले जो प्रोफेशनल है, पर्सनालिटीज हैं, उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 की, जिसकी उल्टी गिनती जो है शुरुआत हो चुकी है। और आज जो तारीख है, ये 15 मार्च है, और आने वाले 16 दिनों में बहुत कुछ हम सभी मिलकर के करने वाले हैं। हम अपने पूरी फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग को अंतिम शेप देने वाले हैं, एक अंतिम रूप देने वाले हैं, एक ऐसा रूप जिसे देख करके आपके डाउनलाइन को आपके ऊपर फक्र हो, जिसे देख करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तमाम अन्य प्रोफेशनल्स को उनकी छाती जो है चौड़ी हो जाए और वो आपके साथ सेल्फी लेने के लिए, आपके साथ हैंडशेक करने के लिए, आपको हग करने के लिए तैयार हो जाए, आतुर हो जाए। दोस्तों क्या लगता है आपको, ऐसी ही तैयारी की बात आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा शेप हम देने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर की इस क्लोजिंग को, जिसको देखने के बाद मजा आ जाए, एक इतिहास रचने वाले हैं। दोस्तों इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि कहा जाता है कि जब आप अपने गोल सीट के करीब होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं। यस, मैं फिर से कह रहा हूं, कभी कभी हमारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं। और वो इसलिए होता है कि कभी कभी हमें खुद के ऊपर बिलीफ नहीं होता कि हम इतना कुछ करने वाले हैं। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, पैरों लड़खड़ाते हुए पैरों को थोड़ा सा थाम लीजिए, धड़कती हुई धड़कनों को थोड़ा सा आराम दीजिए, और याद रखिए, बड़ा करेंगे, जबरदस्त करेंगे और पहले से बेहतर करेंगे। दोस्तों क्या लगता है, इस बात के साथ आप सभी है कि नहीं, आपके कमेंट जो है आते रहना चाहिए। बड़ा करेंगे, मिलके करेंगे और कुछ जबरदस्त करेंगे। जी हाँ, होगा और आप ही के साथ होगा, आप ही करोगे, आप ही वो फनकार हो जो इस बात को करने के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है। बहुत सुंदर आपके रिएक्शन से पता चलता है कि आप सभी इस मीटिंग को सुन ही नहीं रहे, बल्कि दिल दिमाग और धड़कन के साथ आप इस मीटिंग के हर एक शब्द के साथ है, हर एक वाक्य के साथ है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं, लीडर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहता, फिजिकल रूप से नहीं तैयार रहता, बल्कि वो दिल दिमाग धड़कन हर दृष्टिकोण से तैयार रहता है। सो दोस्तों, यू आर वेरी क्लोज टू टारगेट, आप बहुत ही करीब आ चुके हैं। और अब दोस्तों समय आ चला है कि आप बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही एक्यूरेटली आप अपने टारगेट को हिट करें। कैसे संभव होगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस बात की चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में आपके पास हर वो चीज है जो इस सिस्टम में आपको कामयाबी की ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए जरूरत है। आपके पास हर वो रिसोर्सेस है, आपके पास हर वो रॉ मटेरियल है जो इस सिस्टम में एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरने के लिए जरूरी होती है। आपके पास एक अच्छी टीम है, नो डाउट ऑन दैट, आपके पास एक अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस लोग हैं, हर किस्म के टाइप के लोग हैं, कुछ अच्छे रिटेलर्स हैं, कुछ अच्छे नेटवर्कर्स हैं, कुछ अच्छे वक्ता है, तो हर किस्म के लोग हैं। सो दोस्तों रिसोर्सेस की आपके पास कोई कमी नहीं है, मैच्योरिटी लेवल है, अनुभव का वास्तव में उनके पास इतना बड़ा अनुभव है जिसके ऊपर आप प्राउड फील कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा बिजनेस देने वाला, बड़ा बिजनेस देने वाला, हर व्यक्ति आपके पास है और सभी का सम्मान है इस पूरे सिस्टम की इस सफलता से भरी हुई कहानी में।
तो दोस्तों अब आपको थोड़ी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस के साथ, कहते हैं ना, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी पूरी दिल की भावना के साथ आप उनके हाथ से हाथ थाम करके आगे बढ़ते रहो, आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जब, तो हमें वो पुरानी बेसिक्स जो है जरूर स्मरण कर लेना चाहिए, वही पुरानी बेसिक जो अक्सर हम सिस्टम में बात किया करते थे कि हमारी हर कदम जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए। आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, आप स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्ट जब एक्शन की बात होती है तो कभी कभी हम अपने बेसिक्स से कभी कभी हट जाते हैं। तो दोस्तों मैं पुनः उस बेसिक्स को आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके हर कदम स्पेसिफाइड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं उसकी एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तो जरूर होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, कौन से टारगेट को अचीव करने वाले हैं, इमीडिएट इस सप्ताह क्या करने वाले हैं, आज की तारीख में क्या करने वाले, इस तरीके से वेरी स्पेसिफिक होनी चाहिए आपके हर कदम, और साथ ही साथ आप उसे मेजर कर सके, उसको क्वांटिफाई कर सके, संख्या का एक रूप दे सके कि आज कितनी बीपीआई, आज कितनी रिटेलिंग हुई, इस तरीके से आप उसे मेजर कीजिए। ऐसा ना हो कि भाई बहुत बड़ी करने की चाहत में आप उस चीज को मेजर ही ना कर सके। सो मेजरेबल होने चाहिए आपके हर कदम, और साथ ही साथ अटेनेबल भी होने चाहिए, यानी कि आप उसे हासिल कर सके, ऐसे ही लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़िए, आप उसे हासिल कर सके ऐसे ही लक्ष्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम पूरी कल्पना करें, चांद और सितारे पाने की बात करें, तो इस जहां में, इस धरातल पे शायद ये संभव नहीं है। तो हम वही काम करेंगे जिसे हम अटेन कर सकें, और साथ ही साथ रेलिवेंट हो, यानी कि वास्तविकता को और सिस्टम को, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को और आपकी पूर्ण क्षमता का ख्याल करते हुए ही आप रेलिवेंस की तरफ आप आगे बढ़े। टाइम बाउंडेड होनी चाहिए कि आज या फिर आने वाले 3 दिनों में या फिर इस पूरे सप्ताह में आपको कितना बिजनेस अपने टीम से चाहिए। अगर हम इस स्मार्ट प्लानिंग को हम अपने दिल, दिमाग और धड़कन और साथ ही साथ टीम के हर व्यक्ति के माइंड में अगर इसे इम्प्लांट कर दे, तो याद रखिएगा सफलता आज आपसे दूर हो ही नहीं सकते। जी मैं फिर से कह रहा हूं, सफलता आपसे दूर हो ही नहीं सकती। तो स्मार्ट आपके एक्शंस हो, याद रखें अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है जो आपको उस ऊंचाई पे पहुंचाएगा, बल्कि ये आपका विश्वास ही होता है जो आपको एक दिन सफल बनाता है और कामयाबी के शीर्ष पर लेकर के जाती है। हर हालात से हारा व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, ध्यान से सुनिएगा, हालात से हारा व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति जिंदगी में कभी जीत ही नहीं सकता। मन से हारा व्यक्ति जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता, इसलिए मन से कभी भी नहीं हारिएगा। हो सकता है आपको विगत वर्षों में या विगत समय में कभी कभी हार का भी स्वाद चखना पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं ना कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। कभी कभी हारे हुए व्यक्ति को इतना ज्यादा अनुभव और तजुर्बा मिल जाता है, इतनी ताकत मिल जाती है कि वो अपनी अगली छलांग जो है बड़ी अच्छे तरीके से और बड़ी लंबा आपको लगा सकते हैं। इसलिए अपने हार से आप विफल ना हो, अपने हार से हतोत्साहित ना हो जाए, आपका मोटिवेशन कम ना हो जाए, इसके ऊपर जरूर विचार कीजिएगा। हालात से हारा व्यक्ति फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। सो दोस्तों हमें जीतना है, एक साथ जीतना है, एक दूसरे का हाथ थाम करके जीतना है। इस चीज को आप दिल से स्वीकार कीजिए। याद रखिए दोस्तों, तिलस्माई दुनिया में अलादीन का चिराग कैसा होता था, वो क्या करता था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर कहानी से अगर कुछ प्रेरणा ली जाए तो मैं समझता हूं कि आज की भी तारीख में एक तिलिस्माई चिराग है जिसे हम अलादीन का चिराग कह सकते हैं, और वो कोई और नहीं, वो आपके दिल में बसने वाला साहस है, साहस के अलावा कुछ नहीं है।
साहस करेंगे, वो अपने आप में एक अलादीन के चिराग जैसा काम करेगी, निश्चित तौर पे करेगी। आप एक बार आजमा करके देख लीजिए, इस बार आजमा करके देख लीजिए, अब भी आजमा करके देख लीजिए। दोस्तों मैं कहता हूं कि ये अलादीन का चिराग से आपकी मुलाकात हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप अपने शरीर के लेफ्ट साइड में उस धड़कती हुई दिल के ऊपर अपने हाथ को रख करके महसूस कीजिए, कहीं ना कहीं अलादीन का चिराग का यही एक वास्तविक प्रमाण है। सो तैयार हो जाइए, साहस को बटोर लीजिए, बहुत बड़ा करेंगे, जबरदस्त करेंगे और पहले से बेहतर करेंगे, इस उम्मीद के साथ। दोस्तों याद रखें, हम अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस की एक क्विक रिव्यू भी करेंगे कि आपके पास कौन सी चीजें हैं और आपके पास उन चीजों को किस तरीके से आपको जोड़ करके आगे बढ़ना है। तो रिव्यू करने के लिए, अपने रिसोर्सेस के रिव्यू करने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप इतिहास रचने वाले हो। तो दोस्तों क्या आप उन रिसोर्सेस के रिव्यू करने के लिए तैयार हैं? बड़ी छोटी चीज है लेकिन बड़े काम की चीज है। एक बार कमेंट बॉक्स में आपका रिएक्शन चाहूंगा, ताकि अंदाजा लगे कि सिर्फ और सिर्फ आप मोबाइल के साथ कनेक्ट हो नहीं गए हैं, बल्कि उन चीजों को आप ध्यान पूर्वक सुन भी रहे हैं। बहुत सुंदर, आपके इस जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, वो रिसोर्सेस क्या हो सकती हैं। वो रिसोर्सेस ऑलरेडी आपके पास है, पुनः हम आपको बताना चाहेंगे। दोस्तों बात जब रिसोर्सेस की होती है तो अक्सर इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक आप जो मेंटेन करते हो, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री की बात करें, या एरिया स्टॉक पॉइंट की स्टॉक की बात करें, इन्वेंट्री की बात करें, या सुपर स्टॉकिस्ट पे उपलब्ध जो प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है उसकी बात करें, आपके पास पर्याप्त इन्वेंट्री होना चाहिए। और इस पर्याप्त इन्वेंट्री के माध्यम से ही आप उन हिस्ट्री को आप रिपीट कर सकते हैं, आप अपनी जो इतिहास गवा रही हैं आपकी सफलता की, उस सफलता को दोबारा से आप अपने हिस्से में पा सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, अक्सर मैं कहा करता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि इस धरती पे चिकन सबसे पहले, वो चिकन का आगमन हुआ या सबसे पहले अंडे है। इसका जवाब आज भी मुझे, मैं तलाश कर रहा हूं, मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन एक चीज तो तय है कि अगर आपकी दुकान और अगर आपकी दुकान पे प्रोडक्ट्स और सेवाएं उपलब्ध हैं, तो दोस्तों ग्राहक बात में आते हैं। यानी कि आपकी सेंटर्स पे सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उपलब्ध होने चाहिए, फर्स्ट यही चीज आती है और तब जाकर के कस्टमर आता है। इसका एक सीधा मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने सेंटर्स पे उपलब्ध मैक्सिमम लेवल पे करें, अपनी मैक्सिमम क्षमता के साथ करें। इस बात की चिंता कदाचित ना करें कि ग्राहक आएंगे कि नहीं, सामान बिकेगा कि नहीं, इन्वेंट्री समाप्त होगी कि नहीं। दोस्तों वो आएंगे और वो अपने हिस्से की चीज ले जाएंगे, बशर्ते कि आपके पास वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो। दोस्तों क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं? मेरा ये विश्वास है कि मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा। सेंटर्स पे प्रोडक्ट्स होती है वो निश्चित तौर पे निकलती है। दोस्तों जिनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होते उनके पास ग्राहक भी नहीं आते। बड़ी सीधी सी बात मैं कहता हूं, विवाद निर्भीक तरीके से। चलिए आगे और बात करते हैं कि आपको अपने स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को बहुत ही कायदे के साथ, बहुत ही इफेक्टिव वे में मैनेज करना होगा। अब ये स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या है? दोस्तों कीवा काइपो के पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, मोर देन 550 प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरीज है। और आपकी जो हिस्ट्री रही है, आप अगर सेंटर ओनर हैं तो आपने देखा होगा कि एक ट्रांजेक्शंस की एक हिस्ट्री रहती है कि आपके सेंटर से किस टाइप के प्रोडक्ट्स ज्यादा निकलते हैं। तो उन इतिहास को एक बार रिव्यू कीजिए कि पिछले 5-6 महीने में कौन कौन से प्रोडक्ट से ज्यादा ऑर्डर आए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने आसपास के एरिया स्टॉकिस्ट से भी थोड़ा सा टटोल लीजिए, थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए कि उन्हें इमीडिएटली कौन से प्रोडक्ट रेंज की जरूरत है, और अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑर्डर प्लेस कीजिए। दोस्तों क्योंकि होता क्या है, कंपनी की जो सप्लाई सिस्टम है वो पहले आओ और पहले पाओ वाली चीजों पे चलती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली चीजों पे चलती है। और आपको पता है कि त्योहारों का समय है, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने कामों में लगे होंगे, आपके पास इन्वेंटरी होगा तो एक किस्म से अपॉर्चुनिटी लॉस की संभावनाएं नहीं रहेगी। इसलिए आप अपने परचेज हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर प्लेस कीजिए और मौजूदा जो स्कीम है उसका भरपूर फायदा उठाइए।
दोस्तों कीप एटलीस्ट मिनिमम इन्वेंट्री फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, मैं फिर से कह रहा हूं कीप एटलीस्ट मिनिमम इन्वेंट्री फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, हर कैटेगरीज की थोड़ी बहुत जो रेंज है वो आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आप मैक्सिमम अपने ग्राहक को संतुष्ट कर सकेंगे, मैक्सिमम अपने ग्राहक को आप उनको हैप्पीनेस दे सकेंगे, उनकी जरूरत की चीजें उन्हें उपलब्ध करा सकेंगे। और आज की दौर में चूंकि प्रोडक्ट ड्रिवन सिस्टम में हम सभी जो है प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड रहते हैं और अपनी जरूरत को की जो प्रोडक्ट है उसे पाने के लिए अक्सर कोशिश करते हैं कि ये इमीडिएटली मैं सेंटर पे पहुंचूं और ये प्रोडक्ट मिल जाए। सो मेंटेन मिनिमम इन्वेंटरी फ्रॉम एवरी कैटेगरीज, या आप सभी से चाहे वो सुपर स्टॉकिस्ट हो चाहे एरिया स्टॉकिस्ट हो, और बात मैं उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी करता हूँ जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके पास भी एक छोटी सी इन्वेंट्री होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने ग्राहक को प्रोडक्ट देने जा रहे हो और आपके ग्राहक ने कोई प्रोडक्ट की डिमांड कर दी और आपने कहा कि ठीक है मुझे आज का समय दीजिए, मैं कल आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा एरिया स्टॉक पॉइंट से लेकर के। दोस्तों ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट जरूर रखा कीजिए ताकि आप अपने ग्राहक को इमीडिएटली जो है उनकी जरूरत की पूर्ति कर सके। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज आपसे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला हूं, हालांकि इन चीजों के ऊपर आप सभी अमल कर रहे होंगे, फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि इस चीज को मैं आपके बीच में रखूं। फोकस ऑन योर लेवल अचीवमेंट, फोकस ऑन योर लेवल अचीवमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर टू फोकस विच लेवल दे आर सपोज टू अचीव एंड हाउ मच बीपी इज रिक्वायर्ड। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर अपने फोकस के रूप में ये समझ ले कि उन्हें अगला कौन सा लेवल को अचीव करना है इस मार्च के क्लोजिंग में, और उसके लिए उन्हें कितनी बीपी की जरूरत है और वो बीपी वह कितने लोगों से उम्मीद करते हैं, इसकी एक लिखित कैलकुलेशन आप अपनी डायरी पे जरूर रखें। जी हाँ, इसकी एक लिखित कैलकुलेशन आप अपनी डायरी पे जरूर रखें, क्योंकि जो चीजों को आप लिखते हो उसकी होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी स्थिति में मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी पैन इंडिया लेवल्स के माननीय रेस्पेक्टेबल जो चेयरमैन है वो कौन से क्लब को अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए कितनी बीपी की फ्लो की जरूरत है, इसका ख्याल आप जरूर रखिए। ये नम्र निवेदन है, इसका ख्याल आप सभी जरूर रखें। डायरी पे उन पूरे जितने भी लोग हैं जो एक्टिव लोग हैं वह कितनी बीपी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनका एक एक टेंटेटिव आइडिया होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से आपकी टीम है और उस टीम से आप कितनी बीपी की एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसका एक जायजा रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल कह सकते हैं कि महीने की आधी समय जो है वह निकल चुकी है। आज 15 तारीख है और आने वाले 16 दिनों में यह 31 मार्च आ जाएगी दोस्तों, और देखते ही देखते पता चलेगा कि सारा का सारा दिन समाप्त हो गया। सो इसकी आप जरूर प्लानिंग कर लें। और तीसरी चीजों के बारे में मैं कहता हूं कि हमारे जितने भी सुपर और एरिया स्टॉकिस्ट हैं वो मार्जिन के रूप में इस महीने कितना अर्न करना चाहते हैं उसकी भी एक हिसाब किताब आप अपने डायरी में जरूर लिख लें, क्योंकि जब तक आप एक टारगेट सेट नहीं करते हैं आपको वही चीज मिलता है जो दूसरों से छूट जाता है, इसलिए इसकी टारगेट आप जरूर से जरूर सेट कर लीजिए। और अभी बहुत सारे आकर्षक स्कीम के रूप में ऐसे ऐसे कंपनी ने ऑफर्स ला के रखे हुए, मिसाल के तौर पे वन प्लस टू की स्कीम। दोस्तों मैं नहीं समझता कि इससे बढ़िया ऑफर जो है आज की तारीख में कुछ हो सकती है, जो अनायास ही हर नए चेहरे को अलग ही तरीके से प्रभावित करती है, एक ऐसा प्रभाव छोड़ती है जिससे कि उसकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे जाते हैं। कुछ चीजों को परिवर्तन करना ये कुदरत का नियम है, ये संसार का नियम है और ये एक बिजनेस की लाइफ साइकिल का एक ऐसा हिस्सा है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चीजें बदलती हैं, बदलती रहेंगी, नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड। तो उस बदलाव के साथ आप चलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हम मिलकर के बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी सोचती है विन विन सिचुएशन के ही रूप में सोचते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैनेजमेंट कभी भी सोचती है विन विन सिचुएशन में सोचती है ताकि हम अच्छे तरीके से ग्रो कर सके और हर व्यक्ति उस ग्रोथ का हिस्सा बन सके। दोस्तों जब बात मैंने इतनी प्रिसाइजली बीपी आपके टारगेट और आपकी गोल सेट की
तो मैं कहीं ना कहीं कल्पना कर रहा था वैसे ईगल्स की जो अपने शिकार को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। वह पहाड़ की किसी भी ऊंचाइयों पे वह बैठा रहे, उसकी आंखों से उसका शिकार दूर नहीं जा सकता। वह हमेशा उस शिकार को टारगेट करके रखता है। तो दोस्तों, वही टारगेट, वही फोकस मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस मार्च की क्लोजिंग में वही टारगेट, वही माइंडसेट आपकी होनी चाहिए कि आप अपने टारगेट से विचलित ना हो जाए। दोस्तों, डियर लीडर्स, इट्स टाइम टू वेक अप, टाइम हैज कम टू प्रूव योरसेल्फ। सिंपल सी बात है दोस्तों, अब तक बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन, बहुत सारी फिजिकल मीटिंग, बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग, बहुत सारे फॉलोअप, बहुत सारे ड्रीम मेकिंग फाइल्स और ये सारी चीजें, ब्लब ब्लब, ये जितनी भी चीजें हैं अब तक आपने किया, लेकिन दोस्तों अब टाइम आ गया है आपकी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने का। जी हाँ, ये शब्द अपने आप में भारी है, ये वाक्य अपने आप में भारी है। आपकी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने का समय आ चला है। तो दोस्तों, क्या आप दिल से तैयार हैं अपनी तैयारी को, अपने टीम की तैयारी को एक अंजाम तक पहुंचाने का? और वो अंजाम कोई कुछ और नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है, अचीवमेंट हो सकता है। सो लीडर्स, क्या आप अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम के रूप में सफलता के उस ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए तैयार हैं? आपके कमेंट का मैं बेसब्री से प्रतीक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, टाइम हैज कम टू वेक अप और अपने आप को प्रूफ कीजिए, अपनी तैयारी को प्रूफ कीजिए, अपने टीम की पहचान को इस धरातल पे, इस सिस्टम पे मुकम्मल कीजिए। और साथ ही साथ आपको कुछ अन्य चीजों के ऊपर भी फोकस करनी पड़ेगी इसी मुहिम में कि आपके पास एक बहुत बड़ी फौज होती है, लोग बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें से एक्टिव लोग बहुत कम होते हैं। अब वो दौर आ गया है जहां हम अपने स्लीपिंग सेल्स को भी जगा दें। स्लीपिंग सेल्स वो व्यक्ति होते हैं जो सोए हुए अवस्था में होते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से ट्रांजेक्शन शायद ना किया हो। तो दोस्तों, उन पैसिव लोगों को जगाने की जरूरत है और उनसे भी कम से कम 400 सेल बीपी करवाने की जरूरत है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ हम पैसिव लोगों को जगा लें, हमें अपनी टीम के अंदर नए नए लोगों को भी लाने की जरूरत है, यानी कि न्यू ज्वाइनिंग्स बहुत तेजी के साथ, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो सके उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और कंपनी की जो आकर्षक स्कीम है, सॉरी, 1+2 की स्कीम, इस 1+2 की स्कीम का फायदा हमारे नए मेहमानों को जरूर मिले, इसकी आप फिकर जरूर करिएगा, इसकी आप एश्योरेंस जरूर दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस सिस्टम में ज्वाइन करता है तो वह कोशिश इस बात की हो कि 1+2 की प्रोडक्ट का जो फायदा है उसे जरूर से जरूर मिले, क्योंकि उसके हिस्से में ज्यादा प्रोडक्ट जाएगी, प्रोडक्ट इज मनी, ज्यादा रिटेलिंग पावर उसकी रहेगी। और जब जेब भरे रहते हैं ना दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन उसके पास होती है। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि कंपनी की जो ऑनगोइंग ग्रैंड ऑफर है, जिसके तहत आप 4 आईडी इंट्रो के रूप में डालते हैं और हर आईडी पे आप 1,000 की बीपी करवाते हैं, जिसकी एवज में डेली यूज किट आपको मिलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5,000 रुपए कैश के रूप में पाने का, आपको एक लकी विजेता बनने का भी मौका मिलता है। इस शानदार सी ग्रैंड ऑफर का फायदा लेने का जरूर सोचें। हर किसी को इंस्पायर करें कि इस प्रोडक्ट, इस स्कीम के माध्यम से आप बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं। आपके टीम के अंदर बीपी का फ्लो हो सकता है, आपके टीम के अंदर नए नए लेबल्स आ सकते हैं, आपकी क्लब क्वालिफाई हो सकती है, और ऑब्वियसली ये जो स्कीम है इसका फायदा आपको इमीडिएटली तो जरूर मिलेगा। अगर हम इस तरीके का प्रयास, अगर कलेक्टिवली टीम के हर व्यक्ति से अगर हम उम्मीद करें और हर व्यक्ति एक लाइन ऑफ एक्शन की तरफ इस तरीके से, अगर मैं ये कहूं कि हर व्यक्ति इस क्षेत्र में अगर कमिटेड हो करके आगे बढ़े दोस्तों, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि टीम में वो ताकत होती है जो एक मिरेकल के रूप में आपके जीवन में आती है। दोस्तों याद रखें, अगर अकेले हैं तो समुद्र का एक बूंद हो सकते हैं, लेकिन अगर सारे टीम के लोग मिल जाए तो हम महासागर के रूप में बदल सकते हैं। फिर से कहता हूं, अगर हम अकेले हैं
तो सिर्फ और सिर्फ समंदर का एक बूंद हो करके रह सकते हैं, लेकिन अगर सारे लोग मिल जाएं तो आप महासागर के रूप में बदल सकते हो अपने आप को। तो दोस्तों बड़ा बनना है, महासागर की कल्पना कीजिए और बड़ा सोचिए। दोस्तों इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू काउंट योर अचीवमेंट ऑन डेली बेसिस। हर दिन को कैलकुलेट कीजिए कि आज आपकी उपलब्धियां क्या रही। आप महीने के रूप में मत देखिए, अपने टारगेट को आप डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि आपकी इतनी बड़ी टारगेट है तो उस हिसाब से आज की तारीख में आपको कितना करना है, इससे आप अचीवमेंट के रूप में काउंट कीजिए। सो मेक श्योर दैट यू काउंट ऑन डेली बेसिस ऑन योर अचीवमेंट। दोस्तों आप कितना प्रोग्रेस किए हैं, कितना अचीव किए हैं, कितना परसेंटेज आपकी पूरी हो चुकी है, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अचीव करोगे और बेहतर करोगे। ये बात बोल करके मैं आपको थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर दूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी विवश हूं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत बढ़िया करें, उसके लिए इस बात को बोलना पड़ता है। देयर इज नो स्कोप फॉर कंफर्टेबल टाइम। अभी जो स्थिति है और जो वर्तमान फेज चल रहे हैं उसमें आपको कंफर्टेबल होने का मौका नहीं है। नो टाइम टू रिलैक्स। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, नो टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स करने का समय नहीं हो गया, सुबह हो गया, अपने काम पे लगना है क्योंकि समय बहुत ही कम है। सो देयर इज नो स्कोप फॉर कंफर्टेबल टाइम। इस बात का ख्याल हर व्यक्ति जरूर रखें। दोस्तों यू नीड टू चैलेंज योर लिमिट। समय आ गया है जहां आप अपने आप को चैलेंज कीजिए, कि किसी अन्य को चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को चैलेंज कीजिए। अगर आपने अपने आप को चैलेंज करना शुरू कर दिया तो दोस्तों देखोगे बिजनेस की ऊंचाइयां और इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी किस लिहाज से बढ़ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कभी ऐसा होता था कि चंद बीपी करना आपके लिए मुश्किल होता था और आप अपने बल बूते, अपने बदौलत आप इतनी बड़ी बीपी कर लेंगे जब आप अपने आप को चैलेंज देना शुरू कर देते हैं। सो ऑलवेज इंसिस्ट ऑन चैलेंजिंग योरसेल्फ। अपने आप को चैलेंज देने की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए। दोस्तों अक्सर जो हमारे सफलता के बीच में रोड़े पैदा करती हैं, कांटे कांटों के रूप में हमारे चलते हुए कदमों के बीच में आ जाती है, वो चीजें होती हैं ईगो। इंसान के दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं वास करती है। दोस्तों आज वक्त आ गया है इस ईगो को गुड बाय कहने का, क्योंकि ईगो इज जस्ट ए स्मॉल लेटर। ईगो एक छोटे शब्द हो सकते हैं, वाक्य का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी बहुत बड़ी रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है। कभी कभी हम अपने लेबल्स में इतना मगरूर हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो टीम के अन्य सदस्य हैं हमसे काफी छोटे हैं। ऐसा कदाचित नहीं होना चाहिए। आपकी ग्रोथ में आपकी टीम का बहुत बड़ा रोल है और हम तभी कामयाब होते हैं, हम तभी बड़ा बनते हैं जब टीम उस दिशा में आपको कामयाब बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो दोस्तों हम दोनों, चाहे डाउनलाइन हो चाहे अपलाइन हो, जिसे मैं अक्सर जो है लाइफलाइन और हॉटलाइन के रूप में देखता हूं, ये एक दोनों एक दूसरे की जरूरत है। एक दूसरे का साथ लेकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हर किसी को प्यार करें, हर किसी का सम्मान करें, चाहे छोटा बिजनेस कंट्रीब्यूटर हो चाहे बड़ा बिजनेस कंट्रीब्यूटर हो। हर किसी को इज्जत दें, हर किसी को सम्मान दें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन व्यक्ति कब किसकी बैटरी 100% चार्ज हो जाए और वो अपना 100% पुटअप करने लगे। इसलिए ईगो को गुड बाय कहने की जरूरत है। नेवर गिव अप एंड बी पॉजिटिव। कभी भी हम ऐसे स्थिति में हैं जहां कभी कभी हम बिल्कुल हताश भी हो सकते हैं कि इतना बड़ा चीज कैसे हुआ। होगा, मैं कहता हूं होगा, आप ही करोगे, आपकी टीम करेगी, निश्चित तौर पे करेगी, लेकिन यहाँ पे आपका पॉजिटिव रहना, 100% पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप अगर 99.99% पॉजिटिव है नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको 100% पॉजिटिव होकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव रहता है वह बहुत ही प्रतिकूल इन्वायरमेंट में से भी ग्रो करने की क्षमता रखता है, जिसे आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पत्थर का सीना तोड़ करके, उसे फाड़ करके एक बीज जो है सूर्य की उस किरण को देखने के लिए और धरती की उस उजाले को देखने के लिए, पत्थर जैसी चीजों को तोड़ करके वो बाहर निकल जाती है। ये पॉजिटिव माइंडसेट की एक निशानी है। सो ख्याल रहे कि आप और आपकी टीम 100% जो है वह पॉजिटिव रहे। बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा करने वाले हैं। दोस्तों कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है,
कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नए मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, हेलो, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा का पूरा किताब बाकी है। जी हाँ दोस्तों, पूरा जिंदगी का किताब, आपकी सफलताओं से भरा हुआ किताब अभी हम लिखेंगे। और जब ये किताब लिखेंगे और ये किताब जब लिख दी जाएगी, आने वाली नस्लों को जब इस किताब को पढ़ने का मौका मिलेगा, तो मारे गर्व के वो फूले नहीं समाएंगे, क्योंकि आपकी इतिहास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस के साथ लिखे गए होंगे। आपके इतिहास में लिखा गया होगा कि हर परिस्थिति में आपने अपने आप को बेहतर रखा, और हर परिस्थिति में आपने अपने आप को साबित किया, और मेहनत और टीम की कमिटमेंट की वजह से आप कामयाब हो सके। ऐसा ही कुछ कहानी आपके उस इतिहास में लिखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, अपने जीवन का और विशेष करके कि इस मार्च की खास तारीख पे आप सभी मिल करके के इस बात को आपने प्रूफ कर दिया कि आप सभी तैयार हैं और बहुत बड़े छलांग के लिए तैयार हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई और बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, दिल की उन गहराइयों से मैं आपके और आपकी सफलता की कामना करता हूं, जिस सफलता का स्वाद चखते हुए दोस्तों मजा आ जाए। और ऐसी ही उम्मीदों के साथ आप, मैं सत्य प्रकाश शर्मा आज इस मंच से विदा लेता हूं, और पुनः कभी और किसी अन्य दिन किसी अन्य विषय के साथ आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद, जय कीवा, जय जय कीवा, घर घर कीवा।